चलो, कल आपको इसका बेसिक बता दिया गया था, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टीज़ चल रही थी, मतलब हम आपको ये बता रहे थे कि किन चार कंडीशंस के तहत मैथमेटिकल डेफिनेशन बनती है मैट्रिक स्पेस की, ठीक है, ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो मैट्रिक स्पेस के मैथमेटिकल डेफिनेशन के लिए कल बेसिक आपको क्या क्या बताया गया था, पहले हम लोग उसको रिवाइज करते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन, यहीं से मैट्रिक स्पेस की शुरुआत हो रही है और यही अब हर जगह आएगा। जैसे आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में ग्रुप थ्योरी प्रूफ किया था, तो अलग अलग चीज़ों को ग्रुप बनाया था, उस पर प्रॉपर्टी चेक करते थे डाल करके कि वो ग्रुप बना रहा है कि नहीं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप बना रहा है कि नहीं, सेट ऑफ इंटीजर्स प्लस माइनस के रिस्पेक्ट में ग्रुप बना रहा है कि नहीं। ठीक यहाँ पे भी इसको पढ़ने के बाद हम लोग अलग अलग तरीके के सेट्स को चेक करेंगे कि वो मैट्रिक स्पेस बना रहा है कि नहीं, उसमें से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, सबसे पहले आपसे कहा गया था कि आप कैपिटल एक्स लेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी क्यों लिया गया, अगर हम एम्प्टी सेट लेंगे तो उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, कोई एलिमेंट नहीं होगा तो डिस्टेंस नहीं होगी, डिस्टेंस नहीं होगा तो मैट्रिक नहीं होगा, मैट्रिक नहीं होगा तो मैट्रिक स्पेस नहीं होगा। नॉन एम्प्टी का मतलब इसमें कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, अगर एक एलिमेंट भी होगा तो उसकी उससे दूरी क्या होगी, जीरो। डिस्टेंस मिल गई, डिस्टेंस मिलने के साथ ही मैट्रिक मिल गया, मैट्रिक मिलने के साथ ही मैट्रिक स्पेस मिल गया। इसलिए पहली चीज़, एक्स हमेशा नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ये वाइवा में पूछा जाता है कि नॉन एम्प्टी होगा तो क्या होगा, एम्प्टी होगा तो क्या होगा। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है कि कम से कम एक एलिमेंट हो, एक एलिमेंट होगा तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एक एलिमेंट की खुद से डिस्टेंस क्या होती है, ज़ीरो। ज़ीरो है, डिस्टेंस मिल गई, मैट्रिक मिल गया, मैट्रिक मतलब मैट्रिक स्पेस मिल गया। ठीक, उसके बाद हमने कहा था कि सी पी लेंगे, सी पी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक्स का एक्स से कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स क्रॉस एक्स के बराबर होता है। आज एक बात याद रखिएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होते हैं। किस टाइप के होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। जैसे अगर हमने कहीं लिखा है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आएगी ए कॉमा वन टाइप के एलिमेंट होंगे, जहाँ ए ए का एलिमेंट होगा और वन कहाँ का एलिमेंट होगा, बी का। तो इसको ऑर्डर्ड पेयर पढ़ते हैं, इसकी पहचान ये कि ये हमेशा ब्रैकेट में ही लिखा जाता है बीच में कॉमा दे करके। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, चूँकि आपने सी पी ले लिया है तो ये एलिमेंट कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के। पहला वाला एलिमेंट भी एक्स का होगा, दूसरा वाला एलिमेंट भी एक्स का ही होगा। फिर हमने इस पर एक फंक्शन डिफाइन किया था, फंक्शन डी सच दैट एक्स क्रॉस एक्स से आर, वेरी गुड। कुछ किताबों में आप देखेंगी तो लिखा होता है आर की जगह आर प्लस यूनियन ज़ीरो। आर प्लस यूनियन ज़ीरो का मतलब होता है सारे पॉजिटिव रियल नंबर और ज़ीरो, मतलब उसमें नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा मतलब नॉन नेगेटिव। ये लिखिए या ये लिखिए, डजेंट मैटर, क्योंकि अंत में वो चार प्रॉपर्टी इसी को प्रूफ कर देती हैं। हम ये लेकर के चलते हैं, हमने कभी वो नहीं लिखवाया, सबका अपना अपना एक तरीका होता है लेकर के चलने का। तो हमने अपने नोट्स में ये दिया है, कभी आप अगर किसी किताब में वो देखें या यूनिवर्सिटी में वो लिखवाया जाए तो घबराने की बात नहीं है कि बाप रे मैम तो कुछ और लिखा है, कुछ और नहीं है, एक ही चीज़ है, उसको हमने चार प्रॉपर्टी के बाद मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो वो भी कुछ लोग लिखवाते हैं, कुछ लोग ये भी लिखवाते हैं, हम ये लिखवाते हैं। ठीक है, एक्स क्रॉस एक्स से आर सच दैट, चार प्रॉपर्टी पहली कौन सी थी, जैसे मैट्रिक स्पेस की पहली प्रॉपर्टी है इसलिए इसको एम वन से लिखते हैं, ग्रुप थ्योरी की होती थी तो जी वन से लिखा जाता था। पहली प्रॉपर्टी कल हमने आपको बताई थी नॉन नेगेटिव कंडीशन, नॉन नेगेटिव कंडीशन। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं होगा। किसके एलिमेंट लेते हैं, एक्स के। लिखने का तरीका देखिए, इसको पढ़ते हैं फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स। फॉर एवरी का मतलब x के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे इस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। सच दैट x y के बीच की दूरी, अब देखिए ये ब्रैकेट में लिखा है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये कॉमा दे के लिखा है, ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। अगर हम आपसे कहें कि x कॉमा y किसके एलिमेंट है और x कॉमा y ये किसके एलिमेंट है, तो कहते हैं ये
एक्स के एलिमेंट है, लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर है तो ये एक्स क्रॉस एक्स के एलिमेंट है। दोनों में ये बहुत मेजर डिफरेंस है। और आपको बता दें, बच्चे सबसे ज़्यादा गलती उसमें करते हैं, वो पूरी किताब पढ़ लेते हैं, उनको कंसेप्ट ही नहीं पता है। जहाँ उनका मन करता है ऊपर वाला लिखते हैं, जहाँ उनका मन करता है नीचे वाला लिखते हैं। इसीलिए मैट्रिक स्पेस में बच्चों का नंबर 3, 4, 5 आता है। मैट्रिक स्पेस सबसे टफ पेपर है, DG सबसे टफ पेपर है। जिसको ये दोनों पेपर आ गया वो थर्ड ईयर आराम से 70%+ से पास कर गया। बच्चे केवल और केवल मैथमेटिक्स में इन्हीं दोनों पेपर पे फोकस करते हैं। डिफरेंशियल ज्योमेट्री DG और मैट्रिक स्पेस, ये दोनों हम ही पढ़ाते हैं, ठीक है। इस साल से हो सकता है DG कोई और पढ़ाए, ठीक। तो ब्रैकेट में लिखा होगा तो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ऐसे लिखा होगा तो एक्स। पिछले साल शहर में मैट्रिक स्पेस कहीं नहीं पढ़ाया गया था। जो आपके बड़े बड़े कोचिंग्स आप देख रही हैं, बवेला, नेहा, ये सब में केवल 30% कोर्स कंप्लीट था। तो जब हम लोग ने क्रैश कोर्स रखा तो 75 से 80 के बीच में बच्चे अपने थर्ड ईयर के आए थे, केवल मैट्रिक स्पेस और DG पढ़ने के लिए कि हमको कुछ मिल जाएगा और सबका पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ये ऐसा पेपर है जो शहर में कोई पढ़ाने वाला नहीं है। DG के लिए, मैट्रिक स्पेस के लिए केवल शहर में 3 लोगों का नाम लिया जाता है, एक शोभित सर जो मेरे गुरु हैं, उसके बाद GP सर जो आपके यूनिवर्सिटी में है, ठीक है। GP सर के बाद हम लोगों को लोग काउंट करते हैं, इसके बाद कोई आया नहीं है शहर में। मतलब लोग पढ़ाते हैं, करते हैं, लेकिन कोई किसी को जानता नहीं है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट पेपर है। यहाँ पे देखिए एक्स का एलिमेंट है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे तो ये किसका एलिमेंट होगा, एक्स क्रॉस एक्स। डी जब भी आप ऑपरेट करोगे तो ये आप अपने दिमाग में बैठा लो कि डी हमेशा इसके एलिमेंट पे लगेगा, डी हमेशा इसके एलिमेंट पे लगेगा। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट कैसे होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, इसीलिए डी हमेशा ऑर्डर्ड पेयर पे लगता है। इसको पढ़ते हैं डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होगा तो कैसा होगा, पॉजिटिव या जीरो के बराबर, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी है M2। M2 आपको बताया गया था नल कंडीशन। नल का मतलब होता है कुछ नहीं। फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स, लेट, ये अकेली ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम अपने मन से सपोज करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू जीरो। जब हम प्रूफ भी करेंगे तो ये नल कंडीशन एक अकेली ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम अपने मन से मानते हैं कि DXY किसके बराबर है, जीरो के। अगर दो पॉइंट्स के बीच की दूरी जीरो है, इसका मतलब होता है कि वो दोनों पॉइंट आपस में कोइंसाइड करते हैं। ठीक इसका उल्टा, अगर दो पॉइंट आपस में कोइंसाइड करेंगे तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, जीरो होगी। तीसरा है आपका M3 है आपका सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक मतलब होता है एक जैसा, जैसा A या B के साथ संबंध है वैसा ही B का A के साथ संबंध है। फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स, ठीक। चौथा है M4 आपका ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। चूंकि ट्रायंगल नाम आ गया, ट्रायंगल में कितने सेज होते हैं, 3, तो इस प्रॉपर्टी में हम 3 एलिमेंट लेकर के चलते हैं सच दैट, है ना, कि इन्हीं दो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई लिखते कैसे हैं,
इसके बीच में किसको इंसर्ट कराएंगे? एक्स वाई के अलावा कौन बच गया? जेड। जेड को इंसर्ट कराएंगे। एक्स को जेड के साथ लेंगे तो मिलता है डी एक्स जेड, जेड को वाई के साथ लेंगे तो मिलेगा डी जेड वाई। दो लोगों का सम अधिक या बराबर होता है इसके, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो हम लोग डी को बोलते हैं मेट्रिक, और सिस्टम एक्स कॉमा डी को बोलते हैं मेट्रिक स्पेस। ठीक है, डी को बोलते हैं मेट्रिक और सिस्टम एक्स कॉमा डी को बोलते हैं मेट्रिक स्पेस। पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई? नॉन नेगेटिव कंडीशन। दूसरी प्रॉपर्टी नल। तीसरी सिमेट्रिक। चौथी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। स्टार्टिंग की तीन प्रॉपर्टी में दो एलिमेंट लेते हैं, ट्रायंगुलर में तीन एलिमेंट लेते हैं। ये एक अकेली ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम अपने मन से मान लेते हैं कि डी एक्स वाई किसके बराबर है? जीरो के। अगर दो लोग के बीच की दूरी जीरो है तो दोनों आपस में क्या कर रहे होंगे? कोइंसाइड कर रहे होंगे। या दो लोग आपस में कोइंसाइड करते हैं तो दोनों के बीच की दूरी जीरो हो जाती है। ठीक है, क्लियर है इतना? अब हम लोग ये लिखने के बाद इस पर कुछ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसका डिस्कशन बहुत पूछा जाता है वाइवा में। ठीक है, थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर हम बता रहे हैं। कुछ हेडलाइन डालिए, मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखिए। लेट कैपिटल एक्स बी आ नॉन एम्प्टी सेट। लेट कैपिटल एक्स बी आ नॉन एम्प्टी सेट लेट कैपिटल एक्स बी आ नॉन एम्प्टी सेट देन द रियल वैल्यूड मैपिंग then the real valued mapping then the real valued mapping d such that real valued समझती हैं क्या होता है, मैपिंग समझती हैं क्या होता है, मैपिंग फंक्शन एक ही चीज़ को कहते हैं, मैपिंग फंक्शन मैप एक ही चीज़ को कहते हैं। ठीक है, रियल वैल्यूड क्या होता है? रियल वैल्यूड मतलब जो वैल्यू कैसी देता हो, रियल नंबर, ये इस पे ऑपरेट हो करके ये वैल्यू दे रहा है, तो ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए? रियल नंबर, या तो रियल नंबर हो या सबसेट ऑफ रियल नंबर हो, दोनों ही चलेगा। देन द रियल वैल्यूड मैपिंग डी सच दैट एक्स क्रॉस एक्स टू आर, ब्रैकेट में आगे लिख लीजिए, कभी गाली देने से पहले याद रहेगा कि मैम लिखवाई थी। डी सच दैट एक्स क्रॉस एक्स टू आर प्लस यूनियन ज़ीरो। देखिए, ये चारों प्रॉपर्टी ने ये बता दिया कि डी जब ऑपरेट होता है तो नेगेटिव नहीं देता है, तो ये भी तो यही कह रहा है कि डी जब ऑपरेट होगा तो नेगेटिव नहीं देगा, केवल क्या देगा? पॉजिटिव या ज़ीरो। कुछ किताबों में ये भी लिखा होता है, इसलिए आगे लिखवा दिए। हो गया, लिखिए ब्रैकेट के बाद लिखिए, इज सेड टू बी मैट्रिक ऑन एक्स, इज सेड टू बी मैट्रिक ऑन एक्स, इज सेड टू बी मैट्रिक ऑन एक्स इफ द मैपिंग Satisfying the following condition, if the mapping satisfying the following condition, M1, M2, M3, M4, पूरा उतार लीजिए ऐसे।
नीचे से लिखिए, एम फोर के नीचे से लिखिए, इफ डी फॉर्म्स अ मैट्रिक ऑन कैपिटल एक्स, इफ डी फॉर्म्स दीज नहीं डी स्मॉल डी, इफ डी फॉर्म्स अ मैट्रिक ऑन कैपिटल एक्स देन द सिस्टम, देन द सिस्टम एक्स कॉमा डी इज कॉल्ड, सिस्टम हमेशा ब्रैकेट में लिखाएगा इस तरीके से, देन द सिस्टम एक्स कॉमा डी इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेस, देन द सिस्टम एक्स कॉमा डी इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेस। इतने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब लिखिए डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक स्पेस, डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक स्पेस। डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक स्पेस, बहुत ध्यान से समझिएगा पहले क्या क्या चीज़ें कही जा रही है। देखिए पहली प्रॉपर्टी से ही हम शुरुआत करते हैं। पहली प्रॉपर्टी ने कहा नॉन नेगेटिव, मतलब डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है। डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव होगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन को कंटेन करती है, इसलिए वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है। पहली प्रॉपर्टी ने यह बताया कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, नल कंडीशन। दूसरी प्रॉपर्टी ये बताती है कि दो लोगों के बीच की डिस्टेंस अगर ज़ीरो है तो वो दोनों कोइंसाइड करेंगे, या अगर कोइंसाइड कर रहे हैं तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ज़ीरो होगी। तीसरी प्रॉपर्टी आपको ये बताती है, मतलब ये मोरलाइज करती है कि जितनी दूरी ए की बी से होती है उतनी ही दूरी बी की ए से होती है। ऐसा नहीं है कि ए से बी की दूरी 4 मीटर है तो बी की ए से दूरी 4.2 मीटर होगी, ठीक है। हमेशा ए की जो बी से दूरी होगी वही बी की ए से दूरी होगी। इसको कहते हैं सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी का मतलब होता है जैसा संबंध ए का बी से है ठीक वैसा ही संबंध बी का ए से होगा। तो ये तो इन तीन प्रॉपर्टीज़ का डिस्क्रिप्शन हो गया। इसका डिस्क्रिप्शन सुनिए क्या क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके लिए भी आप देख सकते हैं और इसके लिए भी देख सकते हैं, दोनों में दो साइन आया है। दो साइन का मतलब होता है या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला, दोनों साथ कभी नहीं आता है। या तो ऊपर वाला साइन लगेगा या तो नीचे वाला। अगर कोई आपसे पूछे ऊपर वाला साइन कब लगता है और नीचे वाला साइन कब लगता है, तो जवाब दीजिएगा ऊपर वाले साइन का मतलब होता है दो लोगों के बीच के डिस्टेंस हमेशा ज़ीरो से अधिक है। मुँह खुला है ना, मतलब ये अधिक होगा। किससे अधिक होगा, ज़ीरो से। ज़ीरो से अधिक है। ज़ीरो से अधिक होने का तात्पर्य वो दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट है। जैसे मेरे और आपके बीच की दूरी 1 मीटर, ज़ीरो से अधिक। क्यों ज़ीरो से अधिक है, क्योंकि हम दोनों दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। लेकिन जब आप मेरे पास आके खड़ी हो जाएंगी तो हम दोनों के बीच की दूरी ज़ीरो। क्यों ज़ीरो, क्योंकि हम दोनों कोइंसाइड कर गए। तो यहाँ पे दो साइन का मतलब ये है कि अगर एक्स और वाई अलग अलग पॉइंट्स होंगे तो डिस्टेंस ग्रेटर देन ज़ीरो, लेकिन जब दोनों एक ही पॉइंट होंगे तो डिस्टेंस ज़ीरो। यहाँ ये, यहाँ पे भी दो साइन है। पूछता है कि कब ये ग्रेटर देन होगा और कब ये इक्वल टू होगा। ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी में कब ये ग्रेटर देन होगा और कब इक्वल टू होगा। जैसे नॉन नेगेटिव में समझ में आ गया कि ग्रेटर देन तब होगा जब दोनों पॉइंट डिस्टिंक्ट होंगे। साथ में बोलिए, ग्रेटर देन तब होगा जब दोनों पॉइंट डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। और इक्वल टू ज़ीरो तब होगा जब दोनों पॉइंट कोइंसाइड करेंगे। यहाँ पे कब ग्रेटर लेस देन का साइन लगेगा और कब इक्वल टू का साइन लगेगा, खूब पूछा जाता है वाइवा में, ठीक है। उसका एक्सप्लेनेशन सुनिए।
फ्रॉमनल कंडीशन एंड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, अगेन फ्रॉमनल कंडीशन एंड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, द एबव बिकम्स, द एबव बिकम्स उतार लीजिए पूरा, नीचे से लिखिए, विच इज नॉन नेगेटिव कंडीशन, विच इज नॉन नेगेटिव कंडीशन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, मैट्रिक कौन बनाता है? डी। डी क्या कहलाता है? मैट्रिक। डी किसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है? एक्स क्रॉस एक्स के ऊपर। तो डी एक्स क्रॉस एक्स के ऊपर मैट्रिक बनाता है, ना कि एक्स के ऊपर। डी किसके ऊपर मैट्रिक बनाता है? एक्स क्रॉस एक्स के ऊपर, ना कि एक्स के ऊपर। थर्ड पॉइंट लिखिए, देखिए, मैट्रिक ऑन द सेट कैपिटल एक्स, मैट्रिक ऑन द सेट कैपिटल एक्स इज अ फंक्शन ऑन, इज अ फंक्शन ऑन एक्स क्रॉस एक्स, इज अ फंक्शन ऑन एक्स क्रॉस एक्स कॉमा नॉट ऑन एक्स, नॉट ऑन एक्स। ठीक, अब दो मिनट टाइम यहाँ दीजिए। आपने पढ़ा था ग्रुप थियरी में कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी प्लस के साथ ग्रुप बनाता है, सेट ऑफ इंटीजर्स भी प्लस के साथ ग्रुप बनाता है, सेट ऑफ रियल नंबर भी प्लस के साथ ग्रुप बनाता है, लेकिन ये सारे के सारे डिफरेंट ग्रुप्स कहलाते हैं, क्योंकि इसमें ये सारी की सारी वैल्यूज़ अलग अलग हैं। फिर आपने कहा था कि R भी प्लस के साथ ग्रुप बनाता है, R माइनस के साथ भी ग्रुप बनाता है, R मल्टीप्लिकेशन के साथ भी क्या बनाता है? ग्रुप बनाता है। मतलब कॉमन सेट पे ऑपरेशंस अलग अलग लेंगे तो वो भी क्या बनाते हैं? ग्रुप। एक सेट के ऊपर अलग अलग ऑपरेशन तब भी ग्रुप, एक ऑपरेशन के ऊपर अलग अलग सेट तब भी ग्रुप। ठीक ऐसे ही यहाँ पे एक सेट के ऊपर x, d है ना, x, d, एक सेट के ऊपर अलग अलग मैट्रिक लेंगे तब भी मैट्रिक स्पेस, एक मैट्रिक के साथ अलग अलग सेट लेंगे तब भी मैट्रिक स्पेस बनेगा। लिखिए, डिफरेंट मैट्रिसेस, हाँ नेक्स्ट पॉइंट है, डिफरेंट मैट्रिसेस कैन बी डिफाइंड, डिफरेंट मैट्रिसेस कैन बी डिफाइंड ऑन द सेम सेट, मतलब ये वाला, डिफरेंट मैट्रिसेस कैन बी डिफाइंड ऑन द सेम सेट एंड दिस गिव राइज, एंड दिस गिव राइज टू डिफरेंट मैट्रिक स्पेस, एंड दिस गिव राइज टू डिफरेंट मैट्रिक स्पेस। ठीक, फिर आप पढ़ती थी वहाँ पे कि मान लीजिए G1 कॉमा O और G2 कॉमा O डैश दो ग्रुप्स हैं, दोनों सेम कब होंगे? जब G1 G2 के बराबर होगा और O O डैश के बराबर होगा, तो दोनों क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। यहाँ पे भी यही चीज़ है। लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, टू मैट्रिक स्पेसेस, टू मैट्रिक स्पेसेस X1 कॉमा D1 एंड X2 कॉमा D2, टू मैट्रिक स्पेसेस X1 कॉमा D1 एंड X2 कॉमा D2 आर इक्वल व्हेन द अंडरलाइन सेट, अंडरलाइन सेट मतलब इन दोनों में पाए जाने वाले सेट, व्हेन द अंडरलाइंग सेट, अंडरलाइंग सेट मतलब अंडर में पाए जाने वाले सेट,
when the underlying set and the metric structure are identical मतलब सेम हो, ठीक है। कल बताएंगे यूजुअल मैट्रिक स्पेस, कल से मेन शुरू हो जाएगा।